हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, आज मैं क्या करने जा रही हूँ। तो आज मैं अपनी घर की शुद्ध खेतों की उगी हुई दाल को बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तो ये सदेरी है, फिर मैं इनकी दाल बनाऊँगी। और देखिए, आपको मैं दिखाऊँ। देखिए गाइस, ये हमारे उड़द हैं, ये उड़द हैं और ये हमारी मूंग है। देखिए गाइस, ये हमारी मूंग है और ये देखिए, ये मैंने ये चने थे, इस चने की दाल मैंने बना ली है। देखिए, ये मतलब छांटने के लिए हैं, तो इनको मैं अभी छांटूंगी। ये चना भी थे, तो इनकी मैंने दाल बना ली है। और अब उड़द और मूंग रह गई है, इनकी दाल मैं बनाने जा रही हूँ। तो गाइस, देखते रहिए। मैं अपने इस शुद्ध देसी चकिए से बनाऊँगी। ये हमारी चकिया रखी है, तो इसी में चकिए से बनाने जा रही हूँ गाइस, क्योंकि अपने हाथ से बनी हुई दाल गाइस बहुत अच्छी होती है। इसका टेस्ट ही लाजवाब होता है। तो मार्केट की दाल तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है मार्केट की दालें, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या डाल देते हैं, उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, तो टेस्ट उसमें अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैं अपने घर की दाल बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो अपनी चक्की। और देखिए गाइस, अब मैं दिखाती हूँ आपको मैं दाल को कैसे बनाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले गाइस मैं उड़द की दाल बनाने जा रही हूँ। और ये हमारे ये उड़द, तो उड़द की ही दाल बनाने जा रही हूँ। गाइस, अपनी चक्की से बनाऊँगी, क्योंकि ये चक्की हमारी गाइस बहुत अच्छी है। तो ये मैंने डाल लिए इसमें, और देखिए हमारी दाल कितनी पिस चुकी है। देखिए गाइस, कितनी दाल हमारी निकल आई है, और देखिए कितनी बढ़िया दाल हमारी निकली हुई है। देखिए इतनी अच्छी दाल निकल आई। देखिए, तो इनको अभी मैं छांट छोट के फटक के बढ़िया बनाऊंगी, तब दिखाऊंगी आपको। हमारी दाल निकालना शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, दाल हमारी ये निकलनी शुरू हो गई है। इतनी दाल हमारी निकल आई है। देखिए दोस्तों, इतनी दाल हमारी निकल आई चक्की के आसपास। देखिए गाइस, इतनी निकल आई। देखिए दोस्तों, हमारी दाल पिस चुकी है। और देखिए, इतनी सारी दाल पिस ली मैंने, और देखो पूरी ख़त्म हो गई। इतनी दाल रह गई है और ख़त्म हो गई पूरी, और देखो इतनी सारी निकल आई है। इतनी मैंने पीस ली, और थोड़ी और रह गई, ये भी डाल लूँ। इसके बाद इसे छान के निकालूँगी मैं, कैसे निकलती है। इसमें डालते हैं इस तरह से, ऐसे डालते और इसे ऐसे अंदर कर देते हैं। उसके बाद इसको चढ़ा देते हैं, इसमें से बाहर निकलती है। तो देखिए गाइस, मेरी दाल पिस चुकी है, तो अब इसे मैं छानूंगी, उसके बाद साफ़ करके तब दिखाऊंगी आपको, क्योंकि साफ तो करनी पड़ेगी ना, तब दिखाऊंगी।
क्योंकि अभी उड़द भी रखे हुए हैं, उड़द की भी दाल बनानी है अभी इसकी भी, तो टाइम तो चाहिए भाई, तो इसकी भी बना लूँ, इसे हटा दूँ, उसके बाद तब दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, अब मैं इससे छानूंगी तब दाल बनेगी सही से, क्योंकि छानने के बहुत ज़रूरी है। देखिए अब प्योर दाल बनके रेडी हुई। देखिए इस तरह की दाल बनेगी, बिल्कुल साफ दाल बन चुकी है हमारी। अब इसे सूप से फटकनी और पड़ेगी। बताइए किस किस के यहाँ दाल घर पे बनती है और शुद्ध देसी दाल खाते हैं, क्योंकि हम तो गाइस ये मई का महीना होता है ना, इसमें धूप सही निकलती है और सारी चीज़ें सही मिलती भी हैं। तो जैसे कि उड़द की दाल है और मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल है, और क्या कहते हैं, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें पीस के स्टॉक करके रख लेते हैं पूरे साल के लिए। और पूरे साल में फिर वही खाती हूँ मैं, मोल की चीज़ मार्केट की कभी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी शुद्ध देसी पीस के तभी खाती हूँ। और गाइस बेसन भी मैं अपना घर का ही यूज़ करती हूँ पीस के, और उसे ही खाती हूँ मैं, मार्केट का बेसन कभी भी नहीं खाती हूँ। तो ये सारी दालें जो है मैं अभी बना के रख लेती हूँ, कम से कम 5-5 किलो कर लेते हैं पूरे साल के लिए, स्टोर करके रख लेते हैं, वही मेरी पूरे साल के लिए हो जाती हैं, और उसके बाद यही चलती रहती हैं गाइस। देखिए गाइस हमारे उड़द भी पिस चुके हैं, और देखिए हमारे उड़द भी ख़त्म हो गए, इतने रह गए उनको भी पीस लूँ, और ख़त्म हो गए हमारे। देखिए इतनी उड़द की दाल हो गई है, देखिए चकिया के आसपास इतनी भरी पड़ी हुई है, और हमारी दाल ये भी पिस चुकी है, तो आपको दिखाती हूँ आगे। तो गाइस देखिए हमारी दाल पिस के रेडी हो चुकी है, और देख लीजिए हमारी दाल गाइस, ये भी हमारी फ्रेश हो चुकी है, और हमारी ये भी फ्रेश हो चुकी है गाइस, और देखिए इस चने की दाल भी बिल्कुल हमारी फ्रेश हो चुकी है। वो आगे वाला निकाल के मैंने सब हटा दिया है, ये देखो रहा, और हमारी दालें रेडी हैं। और अपने आप शुद्ध देसी दाल खाइए और शुद्ध स्वच्छ रहिए आप, क्योंकि ये दालें गाइस बहुत अच्छी होती हैं, यही दालें आप भी खाइए। इतना ही आप आगे दिखाऊंगी, और क्योंकि गाइस अब एंड होने जा रहा है, इतना ही, बाय।